नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लगातार ये बहस चली आ रही है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं और मुगल आक्रांताओं ने उनका जबरन धर्मांतरण कराया था, जिसके बाद वो मुस्लिम बन गए। इस लिहाज से तो इनके जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही हैं और कई मुसलमानों ने इस बात को कबूल भी किया है। यहां तक कि 1964 में अपने अंतिम इंटरव्यू में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि देश में जो मुस्लिम हैं वो सभी हिंदुओं के वंशज हैं, बाहर से तो काफी कम संख्या में मुस्लिम आकर यहां बसे थे। अब जैसे जैसे भारत के समझदार मुसलमानों को यह सच्चाई पता चलती जा रही है कि इस्लामी आक्रांताओं ने सैकड़ों सालों तक भारत में धर्मांतरण का खेल चलाकर उन्हें जबरन मुसलमान बनाया, वैसे ही उन्होंने फिर से अपने हिंदू धर्म में वापसी करनी शुरू कर दी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ऐसी ही खबर सामने आई है। यहां जंगलगढ़ी बाईपास के झलकारी नगर में रहने वाले 26 साल के कासिम ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर अपने परिवार के साथ हिंदू बन गया है। कासिम ने इस धर्मांतरण को घर वापसी बताया है। उनका कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे और उन्होंने अपने धर्म में घर वापसी की है। आर्य समाज मंदिर में रविवार को शुद्धिकरण करवाने के बाद कासिम ने अपना नाम करमवीर रख लिया। उन्होंने अपने बेटा और बेटी का नामकरण भी हिंदू धर्म के हिसाब से कर लिया है। बेटा अयाज का नाम बदलकर आशुतोष और बेटी का नाम कशिश कर लिया है। तो वे पत्नी पहले से ही हिंदू है जिनका नाम अनीता है। कासिम ने और भी मुसलमानों से आग्रह किया है कि वो भी अपनी घर वापसी करें। उधर हिंदू धर्म में आने के बाद जहां करमवीर ने खुशी जताई है, तो वहीं उन्होंने अपना डर भी जाहिर किया है कि कहीं कट्टरपंथी मुसलमान उनके साथ कोई अनहोनी ना कर दे। इसीलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से सीएम योगी और पीएम मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। राजन, हिंदू धर्म में अपने किसी की दबाव से, किसी की जबरदस्ती से नहीं आए, अपनी इच्छा से आए, अपनी मर्जी से आए और पूरे परिवार के साथ आए। और यही चाहते हैं हम कि हमें अब कोई दिक्कत नहीं हो पाए। जो मुस्लिम लोग हमें दिख रहा है कि वो हमें दिक्कत करेंगे, तो हम मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा की। संदेश तो हम यही देना चाहेंगे, जैसे कि आज हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, जो भटके हुए हैं वो भी सही रास्ते पे आए। दरअसल अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के झलकारी नगर में रहने वाले कासिम खान ने साल 2012 में पड़ोस के ही रहने वाली हिंदू युवती अनीता के साथ प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों अपने घर से अलग हो गए। शादी के बाद भी अनीता अपने धर्म का पालन करती रही, जबकि कासिम अपने धर्म का पालन करता रहा। कासिम की तरफ से अनीता के ऊपर धर्म बदलने को लेकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। बाद में कासिम और अनीता के दो संतानें हुई, जिनकी परवरिश भी हिंदू धर्म के हिसाब से होती रही। आज उनकी एक 7 साल की बेटी और 4.5 साल का बेटा है। अब 8 साल बाद कासिम ने भी आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से अपने बच्चों और पत्नी के लिए हिंदू धर्म को अपना लिया। घर वापसी कर हिंदू बने युवक का कहना है कि उन्होंने अनीता से निकाह नहीं बल्कि शादी की थी। उस समय भी उन्होंने फेरे लिए थे, मगर कुछ समय बाद जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता नीरज भारद्वाज के जरिए सासनी गेट के आर्य समाज मंदिर में शपथ पत्र देकर निवेदन किया, जिसके बाद रविवार को पंडितों की मौजूदगी में हवन पूजन और मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। तो वह हिंदूवादी नेता नीरज भारद्वाज ने बताया कि लोग बहुत लंबे समय से इस्लाम के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। उनका मानना है कि हम भारत के लोग हैं और हिंदुस्तानी हैं, हम बाबर की औलादे नहीं हैं, वो हिंदू धर्म में आए उनका स्वागत है। बता दें कि इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि मुस्लिम परिवारों ने फिर से अपने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज़। नमस्कार।